अखिल कर्नाटक माजी सैनिक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कित्तूर आणि चन्नम्मा सर्कल ते डीसी ऑफिसपर्यंत मोर्चा काढून आंदोलन छेडण्यात आले। लक्ष्मीटेक सैनिक नगर मेन रोडचा दरवाजा बंद केल्याने रहदारी करणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांसह प्रवाशांना 8 किलोमीटरचा फेरा मारून शहरात जावे लागत आहे। त्यामुळे माजी सैनिक कुटुंबांना याचा नाहक त्रास होत असल्याचे माजी सैनिक बेळगाव जिल्हाध्यक्ष बसप्पा तळवार यांनी सांगितलं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी को नमस्कार। आज मैं बसप्पा तळवार अखिल कर्नाटक माजी सैनिकर का संघ का अध्यक्ष बेळगाव जिला। आज हम यहाँ पे आने का कारण बेळगाव शहर पे एक माजी सैनिक, एक सैनिक नगर करके एक नगर है, वो गणेशपुर एरिया में आता है। वहाँ पे जितना लोग है वो पूरा आर्मी का संबंधित है, आर्मी कुटुंब से है, और सभी माजी सैनिक और हाल ही सैनिक वहां पे रहते हैं। उसका नाम है सैनिक नगर, वो नाम से ही जाना जाता है। ये यहाँ पे रहने वाला पूरा सैनिक लोग है। वहां का जो सैनिक का बच्चे है वो ज्यादा तौर पर केवी स्कूल में पढ़ता है, और बाकी जो स्कूल में जाता है तो वहीं से उधर एक गेट है, वो गेट को इस्तेमाल करता है। तो वो गेट आर्मी एरिया पे है, जो आर्मी एरिया के अंदर जाकर फिर स्कूल में जाना पड़ता है। और जो भी आर्मी का फैसिलिटीज है वो जो आर्मी के लिए मिलता है, वो फैसिलिटी लेने के लिए भी उसी गेट को सभी लोग इस्तेमाल करता है। कैंटीन में जाना हो या ECHS में जाना हो, MH में जाना हो, सभी लोग उसी गेट का इस्तेमाल करता है। तो आज उस गेट को आर्मी ऑफिसर ने बंद किया हुआ है। तो बंद करने के कारण वहाँ पे रहने वाला सभी लोगों को परेशान हो रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना, लेके आना, लेके जाना, और इनका जो घर का काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो गेट बंद होने से इन्होंने 8 किलोमीटर घूम के फिर आना पड़ता है, और बच्चे खुद नहीं जा पाता है। सिटी का अंदर से घुस के जाना है तो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक में बच्चे जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी लोगों का निवेदन है कि वो गेट खुला जाए। वो गेट से जो आर्मी ऑफिसर्स है वो गेट इसलिए बंद किया है, वहाँ पे दो सिविल सरकारी नौकर है जिसका नाम है संतोष शिरगामी, वो तहसीलदार ऑफिस में FDA काम करता है। दूसरा एक है निखिल पाटिल, ये दो लोग आर्मी वाला को परेशान कर रहा है वहाँ पे। और आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे गेट के पास आने से उनको गालियों से, गलत बात से उनको इज्जत नहीं दे रहा है। तो इस कारण से आर्मी वाला वहाँ पे गेट बंद किया हुआ है। जो निखिल पाटिल है वो 6 कुत्ता पाला हुआ है, वो 6 कुत्ता आर्मी एरिया में घूमता है, क्वार्टर्सों का सामने जाके गंदगी करता है। पूछने के लिए जाने से यहाँ पे कुत्ता मत लेकर आ जाओ बोलने से उनको गंदे गंदे बात से, बिना इज्जत से बात करता है। इससे आर्मी ऑफिसर परेशान होकर उस गेट को बंद किया है। नगर में रहने वाला सभी एक्स आर्मी और हाल ही सैनिक और माजी सैनिक के लिए, सबके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। उनका ये है, आपका जो एरिया में जो गलत काम कर रहा है उनसे रोको, हम आपको गेट खोल के देंगे करके बोल रहा है। हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और हम ये बताने चाहता है कि जो संतोष पाटिल सर और संतोष शिरगामी सर और निखिल पाटिल सर को समझाए, और वो जो गलत कार्रवाई कर रहा है उसके रोके, ताकि वो अपना जो कार्रवाई कर रहा है वो रोकने पर आर्मी वाला वो गेट खोल के देगा, उससे सभी एक्स आर्मी को मदद हो जाएगा करके हम रिक्वेस्ट करने के। लक्ष्मी टेक सैनिक नगर येथे सैनिक कुटुंबांचे वास्तव्य आहे, म्हणूनच सैनिक नगर हे नाव देण्यात आले आहे। या ठिकाणी संतोष शिरगाई हे रात्री अपरात्री मद्यपान करून अर्वाच्य शब्दाशी विगाळ करत असल्याचे ही निवेदनात नमूद करण्यात आले असून,
त्याच्यावर कारवाई करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. या दरम्यान माजी सैनिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. महादेव पवार, कॅन एन सिटी न्यूज, बेळगाव.